हम सरकारी बंगलों में रहते हैं तो बंगले की दीवारें अपना सोफा सेट उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है, लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है। और इसका हमको गर्व भी है, वो समय देते हैं, नई नई चीज़ें जोड़ते हैं, और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बंगला नंबर वन ले आता है। यानी अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कार्यक्रम में। शायद ही कोई ऐसी घटना नहीं मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु ना रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी, प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है,
लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा बाहुबल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी।